नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 10th सोशल स्टडीज़ में रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर हमने पार्ट 1 देखा था कल। उसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज समझा था, रिसोर्सेज कितने प्रकार के हैं, अलग अलग वेराइटी जो क्लासिफिकेशन की थी वो समझा था हमने। उसके अलावा हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एजेंडा 21 के बारे में डिस्कस किया था जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसका सेकेंड पार्ट। इसमें हम देखने वाले हैं पहली चीज़ रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। कल रिसोर्सेज प्लानिंग के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया भी था। उसके बाद हम देखने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बाद है सॉइल एज रिसोर्स, मिट्टी रिसोर्स के तौर पे कैसे है वो देखेंगे। फिर एक है लैंड वर्सेस लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। भारत में जो जमीन का हिस्सा है, जो धरती है, उसका यूज कैसे हो रहा है उसके बारे में देखने वाले हैं। लैंड रिसोर्सेज, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, अगर आपने टेलीग्राम चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाकी आप सब जानते हैं क्या करना है आपको। रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग में मैंने तीन स्टेप्स बताए थे। पहला स्टेप बताया था कि इन्वेंट्री का पता करना, इन्वेंट्री या फिर आइडेंटिफिकेशन, पता करना है हमें कि आखिर किस जगह पे, किस एरिया में, इंडिया के किस एरिया में कौन सा रिसोर्स है, ये पता करना है। अगर हमें ये पता चलेगा कि कहां पर रिसोर्स है तभी तो हम उसको क्या कर सकते हैं भाई, उसके अलावा उसको अगर निकालना है वहां से या फिर कहीं और ट्रांसपोर्टेशन करना है, उसका एक्सट्रैक्शन करना है, तो ये सारी चीजें की जा सकती हैं। सेकेंड है स्ट्रक्चर प्लानिंग और इंस्टीट्यूशनल सेटअप। यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको पता चल गया कि किसी स्पेसिफिक एरिया में, मान लीजिए आपको पता चला कि राजस्थान में कुछ मिल रहा है या मध्य प्रदेश में कुछ मिल रहा है, जमीन के अंदर वहाँ पे कोई रिसोर्स है, तो दूसरा काम होता है प्लान करना कि कैसे हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसके लिए कुछ संस्थाएं, कुछ इंस्टीट्यूशंस, कुछ रूल्स, कुछ फैक्ट्रीज, कुछ टेक्नोलॉजिकल सेटअप्स लगाने पड़ेंगे, उसके बारे में चर्चा होगी। फिर आता है मैचिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। देखिए, हर एक देश का, हर एक राष्ट्र का, हर एक प्रदेश का एक अपना मॉडल होता है डेवलपमेंट का, एक उनकी प्लानिंग होती है कि कैसे उनको देश चलाना है, कैसे उनको प्लान करके डेवलपमेंट को, कैसे देश के या राज्य के ग्रोथ को बढ़ाना है। तो अगर हम रिसोर्स का डेवलपमेंट कर रहे हैं किसी एरिया में, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस रिसोर्स के डेवलपमेंट के समय हम नेशनल डेवलपमेंट को भूल जा रहे हैं, या फिर कहीं कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करना पड़ रहा है। नेशनल डेवलपमेंट और रिसोर्स के डेवलपमेंट को मैच कैसे कराया जाए, तीसरा स्टेप ये होता है। अब हम आगे बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। रिसोर्सेज के बारे में हमने देखा क्या होता है। देखिए, रिसोर्स हमारे पास है लेकिन उसका हम यूज कैसे कर रहे हैं, कहीं हम उस रिसोर्स का एक्सेस यूज तो नहीं कर रहे हैं, ओवर यूज या फिर ओवर यूटिलाइजेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, सबके पास, हमारे पास कोयला है, सपोज करिए कोयला है। अब कोयला को हमें किस तरह से यूज करना है कि अगली पीढ़ी तक भी जाए, दैट इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी होगा जब हम वर्तमान की जरूरतों को इस प्रकार से पूरा करें कि भविष्य की जरूरतों के साथ छेड़छाड़ न हो, हमारे अगली पीढ़ी के लिए भी कोल, पेट्रोलियम, ये सारी चीजें अवेलेबल रहें, इसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, अब कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या है। पहली चीज है इरेशनल कंजम्पशन। इरेशनल कंजम्पशन का मतलब ये होता है कि सबको बराबर बराबर हक नहीं मिलना। माना उड़ीसा में सबसे ज्यादा कोल है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, कुल मिलाकर छोटा नागपुर प्लेट्यू का जो रीजन है, झारखंड वाला रीजन, वहां पे अगर हमें कोयला मिल रहा है तो इसका मतलब है कि वहां पे कोयला अवेलेबल है। दूसरी ओर राजस्थान हो गया या फिर दिल्ली है या फिर हमारा उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में हमारे पास कोयला नहीं है। एक जगह पे रिसोर्स एविडेंट में है, एक जगह रिसोर्स नहीं है। एक जगह के रिसोर्स को दूसरे जगह तक भी पहुंचाना, यानी ऐसा ना हो कि जहां है वहीं के लोग ओवर एक्सप्लॉइट करें, ऐसा ना हो, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। इसी को कहते हैं कि इरेशनल कंजम्पशन। इरेशनल मतलब हर जगह नहीं हो, कहीं एक जगह ज्यादा है। जैसे पैसे की बात कर लें, अधिकतर लोग गरीब हैं और कुछ 2% 3% लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो। ओवर यूटिलाइजेशन, आपको पता है अधिक इसका यूज करना। देखिए, सॉइल एज रिसोर्स में एक चीज समझना होगा हमें। मैंने कहा था कि एनीथिंग विच सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड इज नोन एज रिसोर्स। दुनिया की, संसार की कोई भी ऐसी वस्तु जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, उसे हम संसाधन कहते हैं। इस हिसाब से देखें तो सॉइल भी एक संसाधन है, मिट्टी भी एक प्रकार का संसाधन है। मिट्टी से हमारी जरूरतें पूरी होती हैं। कैसी जरूरतें? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जो भी हैं मिट्टी में है, हम खड़े हैं जिस पर, वो भी मिट्टी है। मिट्टी के बिना कहाँ कुछ संभव है। तो सॉइल भी एक रिसोर्स है।
अब देखिएगा सोयल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, प्रोफाइल मैंने बनाया हुआ है कि जमीन है जिस पे हम खड़े हुए हैं, इसके नीचे और इस जमीन पर अपर क्रस्ट तक, ये एक अगर मान लीजिए पूरा अर्थ है, ये सरफेस है, ऊपर हम लोग खड़े हैं, इसके नीचे पीछे की तरफ जाइए, नीचे भी तो कुछ होगा, हम जहां खड़े हैं इसके नीचे कैसा सॉइल प्रोफाइल है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे निचला जो लेयर है उसको हम कहते हैं पेरेंट रॉक्स। एक चीज याद रखिएगा, इसको आप लिख लीजिएगा नॉन वेदर्ड पेरेंट रॉक्स। नॉन वेदर्ड, नॉन वेदर्ड का मतलब क्या हुआ, देखिए दो तरीके की चीजें होती हैं, एक होता है सॉइल इरोजन और एक होता है वेदरिंग। सॉइल इरोजन का मतलब होता है, हिंदी में बोलें तो कहते हैं मिट्टी का अपरदन होना। ठीक है, क्या होगा, बारिश आई या फिर तेज हवा चली, एक जगह की मिट्टी इरोड होकर कहीं चली गई, दैट इज नोन एज सॉइल इरोजन। वहां से बह के मिट्टी कहीं और चली जाए उसको हम कहेंगे मृदा अपरदन या फिर सॉइल इरोजन। वेदरिंग का मतलब होता है बारिश होगी या कोई भी चीज होगा, वहां से वो इरोड होके, वहां से वो कट के, पहला जो लेयर है वहां से वो कट के कहीं बह के नहीं जाए बल्कि वहीं पे रह जाए, दैट इज नोन एज वेदरिंग। ये एक डिफरेंस है वेदरिंग और इरोजन में। इरोजन में जो कट रहा है लेयर वो कहीं बह के चला जा रहा है, जबकि वेदरिंग में वो कहीं जा नहीं रहा है, वहीं पे आसपास में डिपॉजिट हो जा रहा है। ये पेरेंट रॉक जो सबसे नीचे वाला है ये नॉन वेदर्ड है, यानी कि इसमें किसी भी तरह का लेयर इसका हटा हुआ नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ के जो रॉक्स होंगे वो ज्यादा मजबूत होंगे। नेक्स्ट आता है सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम या फिर वेदर्ड पेरेंट रॉक, ये पेरेंट रॉक है जो कि वेदर हुआ है। यहां पे जो पहला लेयर है, मिट्टी का जो पहला लेयर है वो हटा है, जरूर हटा है, तभी तो हमने कहा है कि वेदर्ड पेरेंट रॉक। नेक्स्ट है सब सॉइल और वेदर्ड रॉक सैंड और क्ले, इसको कहते हैं जो सेकेंड लेयर है, ऊपर से देखें तो सेकेंड लेयर, इसको हमने नाम दिया सब सॉइल और ऊपर वाला क्या है टॉप सॉइल। यहां लिखा हुआ है वेदर्ड रॉक्स, यहां पे जो रॉक्स हैं, पहली बात की ये रॉक्स पेरेंट रॉक नहीं है, पेरेंट रॉक नहीं है, ओरिजिनल रॉक नहीं है। यहां पे आपको सिल्ट मिलेगा, क्ले मिलेगा, रॉक्स मिलेंगे, सैंड मिलेंगे, ये सेकेंड लेयर है। जो टॉप मोस्ट लेयर है उसको हम कहते हैं टॉप सॉइल। याद रखिएगा एग्रीकल्चर की जितनी एक्टिविटीज होनी है वो सब के सब टॉप सॉइल में ही होनी है, और टॉप सॉइल में ही ह्यूमस होता है जो कि क्या करता है एग्रीकल्चर में सपोर्ट करता है। अब हम बात करते हैं लैंड रिसोर्सेज की, कि भारत में जो लैंड रिसोर्सेज है कितने रिलीफ फीचर्स में बटा हुआ है। कहने का मतलब आसानी से ये समझिएगा, भारत में जितनी भी भूमि है उस भूमि में कितना प्रतिशत पहाड़ है, माउंटेन है, कितने परसेंटेज प्लेट्यूज हैं या पठार हैं, कितने परसेंट प्लेन है या फिर समतल भूमि है, उसको हम कहेंगे यहाँ पे लैंड रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। इसको आप ऐसे समझिए लैंड रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया। ये लगभग 43% का जो ये क्षेत्र है, ये वाला जो है 43% ये प्लेन है, समतल भूमि है, ठीक है, मैदान जिसको हम कहते हैं ये वो है। इसके अलावा ये 30% जो आपको दिख रहा है ये है माउंटेन्स, क्या होगा इसका हिंदी पर्वत, और ये जो 27% है ये है प्लेट्यूज या हिंदी में कहें तो पठार। समझ गया, एक आप समझ गया डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। अगर पूछ दे कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया बताना है आपको, तो ऐसे बताइएगा कि प्लेन्स 43%, प्लेन्स कंसिस्ट ऑफ टोटल 43% लैंड ऑफ इंडिया, 30% ऑफ द लैंड इज ऑक्यूपाइड बाई माउंटेन्स एंड 27% ऑक्यूपाइड बाई प्लेट्यूज। अब आप कहिएगा कि पानी कहाँ हुआ, तो ये लैंड के बारे में बात हो रही है, पानी के बारे में बात नहीं हो रही, सिर्फ भूमि की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर एक डायग्राम आएगा, अभी मैं बता रहा हूं आपको और मैं उस डायग्राम से आपको समझाता हूं। तो ये डायग्राम आप देखिए, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, यहां पे एक तरफ लिखा है जनरल लैंड यूज कैटेगरीज 1960 और 61 में क्या था, और दूसरी तरफ लिखा है जनरल लैंड यूज कैटेगरी 2014 और 15 में। आप समझिएगा यहां पे एक पाई चार्ट दिया हुआ है, उसमें अलग अलग कलर से आपको दिखाया गया है कि 46.26% इंडिया में जो था वो उस वक्त क्या, कौन सा लैंड था, अलग अलग कलर से मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा। इसमें आपको सिर्फ इतना करना है कि इस फिगर को आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, लैंड यूज का पैटर्न क्या है। अब देखिए प्लेन्स है, प्लेन्स में खेती भी होगी, कुछ फॉरेस्ट भी होंगे, कुछ जगह पे रिहायशी इलाके भी होंगे जहां लोग रहते होंगे, तो ये सारा कितना है ये आपको इस डायग्राम में बताया गया है। परसेंटेज वाइज दिया हुआ है, देखिए 46.26% दिया है 1960-61 में, 2014-15 में वो घट के हो गया 45.5,
जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है 18.11%, यह है फॉरेस्ट, यह इंक्रीज हुआ है 1960 एक्सेप्ट से और यह हो गया है 23.3%। तो फॉरेस्ट लैंड कवर आपका यूज यहां पे इंक्रीज हुआ है। ये जो डेटा है ये डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर 2017 का डाटा है आपके सामने और इससे आप समझ सकते हैं लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया क्या है। खैर हम आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा जो टॉपिक है वह क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी का किस तरह से वर्गीकरण किया गया है। देखिए सबसे पहला जो आया है वो है एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल को हिंदी में हम कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। ये ऐसी मिट्टी है जो जल, जलोढ़, नाम से क्लियर है जलोढ़, यानी कि कहीं पे जहां नदी बहती होगी उस नदी में जब बाढ़ आएगा तो नदी की स्पीड तेज होगी, अपने साथ वो काट कर कुछ मिट्टी लाएगी और किसी जगह पे वो मिट्टी को पसार देगी। वो जो मिट्टी होगी उसको हम कहेंगे एल्यूवियल सॉइल। यहां सपोज करिए मैं आपको बताता हूं, ये गंगा नदी है, इधर ये यमुना है, प्रयाग में आके मिलती हैं, नदियों वाला चैप्टर आप देखिएगा मैंने पहले ही अपलोड किया हुआ है। इधर और भी गंगा में कई सारी नदियां आके मिलती हैं, हिमालयन रिवर्स आके मिलती हैं। ये सारी नदियां जो हैं ये अपने साथ साथ जब इनके बाढ़ आएगा तो यहां पे ये जो इलाका है इस सब क्षेत्र में ये क्या करेंगी, मिट्टियों को जमा करेंगी, उसी मिट्टी को हम कहेंगे एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल दो प्रकार का होता है, एक है खादर और एक है बांगर। इसको मैंने डिस्कस किया हुआ है पिछले वीडियोस में, यहां मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि खादर क्या है और बांगर क्या है। तो ये समझिएगा, खादर मतलब ऐसी मिट्टी जो कि फर्टाइल ज्यादा हो और बांगर का मतलब होता है ऐसी मिट्टी जो ज्यादा फर्टाइल नहीं हो। दोनों क्या है, तो दोनों एल्यूवियल सॉइल का ही एक पार्ट है, दोनों एल्यूवियल सॉइल ही है। दूसरा सॉइल जो आता है वह है ब्लैक सॉइल, इसको हम रेगर सॉइल के नाम से भी जानते हैं। ब्लैक सॉइल आप सबको पता होना चाहिए कॉटन के लिए इंपॉर्टेंट है। आपका काम क्या है, आपको जाके देखना है कि कॉटन कहां कहां पे इंडिया में पाया जाता है, कहां कहां बोया जाता है, उससे आपको पता चलेगा। डेक्कन ट्रैप जो भारत का ये वाला क्षेत्र है, मैं बताता हूं आपको डायग्राम बना के, इस क्षेत्र को हम कहते हैं डेक्कन, ये डेक्कन ट्रैप है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ये डेक्कन ट्रैप है, डेक्कन का पठार इसको बोलते हैं। तो डेक्कन ट्रैप क्या है, महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये मालवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट और छत्तीसगढ़ का कुछ पार्ट, ये जो है पूरा इलाका, इसको हम डेक्कन ट्रैप कहते हैं और ये ब्लैक सॉइल के लिए जाना जाता है। अब यहां पे ब्लैक सॉइल है तो यहां पे मैंने पहले ही बताया कि कॉटन होगा, यानी कपास कहां कहां पे होगा, तो महाराष्ट्र में, मालवा में, सौराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, साउथ ईस्ट अलोंग गोदावरी और कृष्णा। गोदावरी और कृष्णा नदियां यहां जो बहती हैं इनके साउथ ईस्ट में, साउथ मतलब क्या हुआ, साउथ, ये गोदावरी कृष्णा के साउथ में, इधर साउथ में और ईस्ट में, इधर वाले इलाके में, अलोंग साउथ ईस्ट ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। रेड एंड येलो सॉइल, लाल मिट्टी या फिर इसको पीली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। अब लाल मिट्टी का है मतलब है कि इसका कलर लाल होता होगा, ब्लैक सॉइल है मतलब काला होता होगा। अब ये रेड सॉइल जो है ये लाल क्यों है, क्योंकि इसमें आयरन का कंटेंट ज्यादा है, आयरन का कंटेंट, फेरस का कंटेंट ज्यादा है, इसलिए इसको हम कहते हैं रेड एंड येलो सॉइल। यहां पे एक चीज आप याद रखिए कि जहां भी रेड सॉइल आपको मिलेगा वहां पे बारिश कम होगी, लोअर रेनफॉल का इलाका जो होगा वो होगा लो रेनफॉल का इलाका जो होगा वो होगा रेड एंड येलो सॉइल का इलाका क्षेत्र। ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, मैंने ये बताया डेक्कन प्लेट्यू इसका ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट, सदर्न पार्ट मतलब क्या हुआ भाई, ये नीचे वाला इलाका, और ईस्टर्न मतलब ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये डेक्कन, डेक्कन के पठार के ईस्ट में भी हो गया और साउथ में भी हो गया, तो इधर का जो क्षेत्र है इसको हम क्या कहेंगे, रेड एंड येलो सॉइल का कहेंगे। मैं, आप लोग चिंता मत करिएगा, सॉइल का एक अलग से मैं चैप्टर लेकर आऊंगा जिसमें मैं इंडिया का मैप बना के आपको समझाऊंगा कहां कहां पे सॉइल है, ये सिर्फ आपके थोड़े से जानकारी के लिए है। लैटराइट सॉइल, ये ऐसे सॉइल है जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रहते हैं। अब ट्रॉपिकल क्लाइमेट और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या है, मैप से ही समझिए, यहां से इंडिया के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा पास कर रही है गुजरात से, ये गुजरात से, ये जो क्षेत्र है इसके आसपास का क्षेत्र इसको हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। तो ये ट्रॉपिकल रीजन में ही लैटराइट सॉइल फाउंड होता है, वेस्टर्न घाट और सदर्न स्टेट, ये ट्रॉपिकल रीजन मतलब सिर्फ ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसके अलावा ये सारे रीजन ट्रॉपिकल हैं, क्योंकि हम देखें तो इक्वेटर यहां पे है,
इक्वेटर इधर है और थोड़ा सा नीचे है, यहाँ नहीं है बल्कि यहाँ पे है, ठीक है। तो इक्वेटर के पहले का ये जो क्षेत्र है ये वाला, ये सब क्या है, इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है, पूरा इंडिया का जितना भी लैंड मास है ये ट्रॉपिकल कंट्री में आता है। तो वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट ये वाला क्षेत्र, इधर के क्षेत्र, ये पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र इधर बिल्कुल कोने वाले, और उसके साथ साथ सदर्न स्टेट, यही सदर्न स्टेट इधर ही है दक्षिणी, ये सब क्या है भाई, लैटराइट सॉयल है। यहाँ पे मैं मैप से समझाऊंगा फिर से। एरिड सॉयल का मतलब होता है ऐसा सॉयल जहाँ पे मॉइस्चर का कंटेंट नहीं हो, मॉइस्चर नहीं होगा तभी इसको हम एरिड सॉयल कहेंगे। ये भी रेड एंड ब्राउन कलर, रेड टू ब्राउन मतलब लाल से लेकर भूरे कलर में ये होगा। लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर, ह्यूमस का लैक इसका मतलब सीधा सीधा है कि अगर ह्यूमस नहीं है यानी कि वो लैंड फर्टाइल नहीं है, मॉइस्चर भी नहीं है ह्यूमस भी नहीं है तो लैंड फर्टाइल नहीं है। एक अलग होता है, एक अलग टाइप है फॉरेस्ट सॉइल। ये कहाँ पे पाया जाएगा, तो लोअर पार्ट ऑफ वैलीज में पाया जाएगा, जो घाटियाँ होंगी। घाटी क्या है, दो पर्वत है ये, इसको घाटी समझिए आप, ऐसे होता है घाटी। ये पहाड़ है, पहाड़ है, ये माउंटेन और ये माउंटेन टू, माउंटेन वन माउंटेन टू, इसके बीच का ये जो क्षेत्र है इसको हम कहते हैं वैली। तो ये वैलीज में जो होगा उसको हम कहेंगे फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया। अब एक दो चीज मैं और बता देता हूं, लेकिन ये सॉइल वाला हम फिर से डिस्कस करेंगे। हमारे इस सिलेबस में और क्या है मैं वो भी डिस्कस करता हूं। लास्ट एक टॉपिक है वो अभी पहले डिस्कस कर लेते हैं ताकि एनसीईआरटी का ये वाला पोर्शन खत्म हो जाए, फिर अलग से सॉइल वाला तो एक चैप्टर हम लोग लेकर आएंगे ही। मैं एक बार देख लूं कि क्या है सिलेबस में। तो सिलेबस में जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, ये देखिए यहां पे मैप है आपका, और ये मैप मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों को, ये मैप मैं डिस्कस करने वाला हूं अलग से। अगला टॉपिक है सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। तो मैंने सॉइल इरोजन के बारे में तो आपको बता ही दिया, फिर से बताता हूं सॉइल इरोजन क्या होता है। सॉइल मतलब मिट्टी, और इरोजन को हिंदी में हम लिखते हैं तो अपरदन कहते हैं। ये कोई लैंडमास है, इस पे अगर बारिश होगी, अगर इस पे बारिश होगी, रेनफॉल होगा या फिर तेज हवाएं भी चलेंगी, तो ये जो ऊपर वाली, ऊपर वाला लेयर है मिट्टी का, ये यहां से हट के और कहीं और चला जाएगा। मान लीजिए ये कोई यहां से ये कट गया, ये कटेगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, कटा, ये शेप चेंज हुआ, ये यहां से मिट्टी कहां गई तो कहीं भी जा सकती है। माना कि अगर ये कोई नदी बह रही है तो इस नदी, नदी क्या करेगी, इसको काट करके और अपने साथ उस मटेरियल को लेके चली जाएगी, उस मिट्टी को। ये जो मिट्टी काट रही है ये सबसे अपर लेयर है, टॉप सॉइल है, और टॉप सॉइल में मैंने बताया था अभी कुछ मिनट पहले कि ह्यूमस होता है, यानी कि वो क्या होंगी, फर्टाइल लैंड होगा। ये फर्टाइल मिट्टी को ले जाकर कहीं नदी गिराएगी, उसी मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, और जलोढ़ मिट्टी में जो खादर और बांगर मैंने आपको अभी समझाया, लिंक करते हुए चलिएगा तो सब कुछ आसान हो जाएगा। तो सॉइल इरोजन के बारे में हमने ये डिस्कस किया। अब सॉइल इरोजन के कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो पहला कारण, तो एक मिनट, पहला कारण हो सकता है डिफोरेस्टेशन, पेड़ को काटना। अगर हम पेड़ काटते हैं, यहां पर अगर पेड़ रहता तो इसकी जड़ें अंदर तक फैली रहती, ये जड़ें क्या करती, मिट्टी को होल्ड करती, और यहां पे ये पेड़ रहता, मिट्टी को होल्ड करती, तो ये मिट्टी कट के कहीं और नहीं जाती, तो सॉइल इरोजन रुक सकता था। दूसरा चीज रिवर्स, अब रिवर्स क्या भाई, तो हाई स्पीड में रिवर्स में अगर फ्लड आ जाए उस केस में ये हो सकता है। इसके अलावा तेज हवाएं चलें और अगर मिट्टी उस प्रकार की हो तो वो भी जा सकती है। कुल मिलाकर अगर सॉइल इरोजन को रोकना है, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल मतलब क्या, सॉइल इरोजन नहीं होने दें, मिट्टी जो है उसका क्षय नहीं होने दें, उसी को तो हम कहते हैं कंजर्व करना। कंजर्व कैसे कर सकते हैं, तो पहला प्रोसेस होगा, अगर पूछ दे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सॉइल इरोजन एंड हाउ टू कंजर्व सॉइल, तो आप पहले सॉइल इरोजन का डेफिनेशन लिखिएगा, ठीक है। द सॉइल विच इज कैरीड बाई सम एजेंट लाइक एयर एंड वॉटर इज नोन एज सॉइल इरोजन, दिस प्रोसेस इज नोन एज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन के अगर कॉजेस पूछ दे तो लिख सकते हैं डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन, उसके अलावा हाई रेन, हैवी रेन, ठीक है। ये सारी चीजें कहां पे आएंगी, ये सारी चीजें आएंगी इसके कॉजेस में। अब हम बात कर लें कि इसके कॉजेस के बाद हमसे पूछ दे रेमेडीज कैसे कंजर्व करें, तो लिख सकते हैं डिफोरेस्टेशन की जगह क्या, एफोरेस्टेशन को बढ़ा दिया जाए या फिर रिफोरेस्टेशन किया जाए। रिफोरेस्टेशन और एफोरेस्टेशन में क्या अंतर है,
एफोरेस्टेशन मतलब पेड़ पौधे लगाना, रिफोरेस्टेशन मतलब जहां कटा है वहां दोबारा से लगाना, री मतलब दोबारा से लगाना, ये एक ही कारण है। इसके साथ साथ ओवर ग्रेजिंग अगर हो जाए, घास है तो भी मिट्टी नहीं बहेगी, लेकिन अगर ज़्यादा वहाँ पे ओवर ग्रेजिंग हो जाए, गाय भैंस कैटल्स वगैरह जो हैं वहाँ पे वो ग्रेजिंग करेंगी, अगर ओवर हो जाएगा तो मिट्टी फिर से बह जाएगी। ओवर ग्रेजिंग रोक दीजिए तो क्या होगा भाई, हमारा सॉइल इरोजन नहीं होगा। तो सॉइल के कंजर्वेशन का ये कुछ मेथड था। आशा करता हूँ आपको NCERT चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के सेकेंड पार्ट और लास्ट पार्ट का वीडियो समझ में आया होगा। यहाँ पे NCERT के लेवल से जितने क्वेश्चन थे वो खत्म हो गए। एक क्वेश्चन NCERT में दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कि जो रिसोर्स रिच इलाके हैं, जो रिसोर्स रिच क्षेत्र हैं आपको आइडेंटिफाई करना है, और अगर वो रिसोर्स रिच क्षेत्र गरीब हैं तो क्यों गरीब हैं आपको बताना है। सिर्फ रिसोर्सेज का होना, सिर्फ एक क्षेत्र में रिसोर्सेज का होना किसी क्षेत्र को अमीर नहीं बना सकता है। कारण क्या है, आपके पास कोयला है पेट्रोल है लेकिन आपके पास टेक्नोलॉजी भी तो होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए कि आप उसको निकाल सकें। सिर्फ निकालने की बात नहीं है, एफिशिएंटली निकालना है। पता चला कि 500 किलो का अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे होता नहीं है, 500 किलो कोयला अगर आपको निकालना है और आप कोयले के दाम से अधिक टेक्नोलॉजी वहाँ पे लगा दें तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो रिसोर्सेज का डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब टेक्नोलॉजिकल इन्हेंसमेंट होगा। टेक्नोलॉजिकल इन्हेंसमेंट होगा यानी कि तकनीकी रूप से हम जितने विकसित होंगे रिसोर्सेज हम उतनी अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट था, कोट कहते हैं जिसको हम, वो था कि यहाँ पे सबकी नीड के लिए तो चीज़ें हैं लेकिन किसी के ग्रीड के लिए चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, वी हैव एनफ रिसोर्सेज फॉर एवरीबडीज नीड बट नो रिसोर्सेज फॉर एनीबडीज ग्रीड। यानी हमारे पास सबके लिए, सबके आवश्यकता के लिए तो चीज़ें हैं लेकिन अगर किसी का लालच है तो लालच को भरपाई नहीं कर सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ सॉयल रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, ये सारा मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।